तो यहाँ तक हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर सॉल्व कर लिया और हमें अपना जो मोमेंट था पॉइंट बी पे वो हमें फाइंड आउट हो गया। इक्वेशन का जो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है उसका एक पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। दूसरे पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए यानी कि एफ डैश बी वी को फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्व करेंगे रिडंडेंट स्ट्रक्चर। तो हमारा रिडंडेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी 20 किप्स की उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि रिडंडेंट स्ट्रक्चर में हम फोर्सेस को रिमूव करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास रोलर सपोर्ट थी उसको हम यूनिट वैल्यू दे देंगे, उसके रिएक्शन को हम यूनिट वैल्यू दे देंगे। इसको हमने कंसिडर किया था डाउनवर्ड। ओके नाउ, तो ये क्योंकि हमारा जो रोलर सपोर्ट थी वो सेंटर पे थी तो इस तरह भी हमारा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 24, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा डिस्टेंस 24। अब ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया 24, ये हमारा हो गया सी वाई, ये बी वाई, ये ए वाई। ओके, तो सबसे पहले हम इनको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए और कंसिडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर हमारी है सी वाई इज द रिएक्शन एंड द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी वाई इनटू 48, सी वाई इनटू 48। ओके, नाउ ये सी वाई जो है वो क्योंकि अपवर्ड एक्ट कर रहा था इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था तो इसलिए हम इसको, क्योंकि ये यहाँ इसको मूव करेगा क्लॉकवाइज। अब और ये जो है हमारा ये वाली जो ऊपर की वैल्यू है वन के, ये हमारी बीम को मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज जिसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 24 माइनस में 24 × 1। ये जो है सी व्यू और सी वी सी वाई 48 माइनस 24 सी वाई इक्वल्स 24 / 48 सी वाई इक्वल्स 0.5। ये हमें अब यहाँ पे रिएक्शन मिल गया सी वाई, और क्योंकि हमारी जो फोर्स है रोलर सपोर्ट की जो फोर्स है वो क्योंकि सेंटर पे एक्ट कर रही थी इसीलिए जो हमारा सी ए होगा रिएक्शन जो हमारा ए पे होगा वो भी 0.5 होगा, तो दोनों रिएक्शन जो हमारे वो इक्वल होंगे इसीलिए ये सी ए वाई 0.5 ऑल्सो बोथ आर द रिएक्शंस। Now what we have to do, अब हम इसका जो है वो एक क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉन्जुगेट बीम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटर में थी एक फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी कॉन्जुगेट में, क्योंकि वो रिवर्स हो जाएगी तो ये अपवर्ड एक्ट करेगी और सब फोर्सेस के साथ अपवर्ड एक्ट करेंगी। ओके, और ये हमारे जो रिएक्शन है
then 0.5 0.5, और ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे ये था 224 24, ये तो सेम रहेंगे। ओके नाउ सो अब हमें ये इस जो पॉइंट बी है इसकी हमने मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स करेंगे 0.5 इनटू 24, ये हमारा आ जाएगा 12। क्योंकि दोनों जो हमारे एरियाज हैं वो इक्वल हैं, ये भी 24 है ये भी 24 है, इसलिए ये दोनों साइड्स हो जाएंगे हमारी सिमिलर। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी एक साइड को सॉल्व कर सकते हैं और वही हमारा रिजल्ट इक्वल होगा हमारी साइड की दूसरी तरफ के। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक आसानी हो जाएगी, वो ये कि हम सिर्फ एक साइड को सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड को सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसिडर करते हैं एक साइड को, ये हमारा हो गया 12 upon EI, ये हमारे रिएक्शंस, हमारा 24 फिट डिस्टेंस, लेंथ हो गई हमारी। अब हमें ये बताना है कि हमारा ये जो मोमेंट है ये एक्ट कहाँ पे कर रही है इस बीम को। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि ये जो है वो UVL में है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में है, तो इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो जो हमारा UDL होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसमें हम क्या करते हैं फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा UDL पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन UVL के लिए हम क्या करेंगे, L बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ है हमारी फोर, UVL लेंथ है हमारी 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 हमारा हो जाएगा 144। तो 144 हमारा कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 12 upon 3। तो लेंथ हमारी है 24 into 2 48 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एक फिट यहाँ पे आ जाएगा। क्या कर सकते हैं कि एक फिट यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा 16 फिट। ओके तो हमें ये पता चल गया कि ये वहाँ पर एक करना है, तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो हमारा लोड यहाँ पे कर रहा है। अब हमें यहाँ पे एक इस पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मोमेंट के लिए हम, ये हमारी मोमेंट हो गई, ये लग रही है मोमेंट एट पॉइंट की। ओके सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण ऑफ मोमेंट्स लेंगे। मोमेंट बी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, तो ये 144 डिवाइडेड बाय ई आई इनटू हमारा जो डिस्टेंस था वो था 24, हमारा जो नीचे का ये रिएक्शन था 144 ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा 144 हो जाएगा रिएक्शन भी बिकॉज ऑफ द लोड एट सेंटर। तो ये 144 ये हो जाएगा और उसके बाद ये माइनस में फिर आ जाएगा 144 upon EI into 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300
3456 divided by EI and minus 1152 divided by PR. It will be equals to M. तो जब हम इसमें EI की वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन है पहले से ही क्वेश्चन में, दिस इज द वैल्यू ऑफ E and this is the value of I. जब हम इसको अपने इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एम बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी माइनस 5.56. तो इस तरह से हमारे पास दोनों जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो कंडीशंस थी वो हमारी मिल गई. वो थी हमारे पास डेल्टा बी प्लस पी वाई एफ डैश पी बी. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है कंपैटिबिलिटी की. लेकिन पहले क्या होता था वो हमारा इक्वल होती थी ज़ीरो के. लेकिन इस कंडीशन में ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है. ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन मैं आपको तभी ये एंड में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल करेंगे हमारी जो जो हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में. सेटलमेंट 1.5 इंच. अब ये क्योंकि सेटलमेंट जो है वो 1.5 इंचेस में है तो इसको हम 1.5 इंचेस में कर देंगे. लेकिन हम जो है वो फिट में तो उसको हम 12 फिट में करेंगे कन्वर्ट. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद इसको हम 12 फिट में कन्वर्ट कर देंगे. तो इसको जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा वी प्लस में बी बाय एफ पी बी को, डेल्टा वी प्लस में बी बाय एफ पी बी को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज आई हुई थी उनको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो बी वाई इससे पहले हम क्या करेंगे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये हमारा जो रिएक्शन आया था माइनस बी माइनस 5.56 ये था हमारा बी वाई. ओके, तो इसको हम ए वाई को फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे समीशन एट ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, ये हो जाएगा हमारा आर सी इंटू 48 प्लस 5.56 इंटू 24 प्लस 20 इंटू 12. तो आर सी इज इक्वल्स टू 240 माइनस 133.44 डिवाइडेड बाय 48 और आर सी जो है हमारा हो जाएगा 2.22 के. समेशन ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड इक्वल्स टू माइनस में नेगेटिव. इसी तरह से हमारा आर ए जो है वो हो जाएगा माइनस 120 प्लस 5.56 प्लस 2.2 आर ए वाई इक्वल्स टू 12.22. तो जब हमें अपने जो रिएक्शन हैं वो सारे मिल चुके हैं.